हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया वो एक नया वीडियो जो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था, जहाँ पे भी लुक मिलते हैं मुझे वो लुक पूछते हैं, जिसका सवाल का आंसर आज मैं आपके लिए देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और बहुत कुछ आप जानेंगे इस वीडियो से। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरा जो लकी बम्बू का स्टिक है, मैं किस तरह से उसको लगाता हूँ, किस तरह से उसको रखता हूँ, किस तरह से उसको स्टोर करता हूँ और क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, आप वो चीज़ पूरा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से हर टाइम बोलता रहता हूँ कि मैं जब डिज़ाइन कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद आप देखते होंगे कि नीचे भी मैं फंगीसाइड लगाता हूँ और ऊपर भी लगाता हूँ। देख सकते हैं, नीचे भी लगाया हुआ है और ऊपर भी लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं हर किसी को लगाता हूँ, आप देख रहे होंगे और पहले देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सारे स्टिकों को कोकोपीट के अंदर रख देते हैं, किसी को स्टोन के अंदर रख देते हैं, किसी को ऐसे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसके में देखा कि कोकोपीट के जो स्टिक रहते हैं उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और वो एक साथ सारे स्टिकों के अंदर जो ब्रांच देख सकते हैं, जो नया देख सकते हैं ये वाला, ये आते हैं बहुत फास्ट। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी उसको कोई डिज़ाइन बनाना हो या स्टिक को ऐसे ही रखना है तो आप कोकोपीट के अंदर रखिए, आपको बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा और बहुत हेल्दी भी रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं जब रखता हूँ मेरा भी कुछ स्टिक गलता है और मेरा भी कुछ स्टिक ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टिक है जो काफ़ी, देख सकते हैं मैंने ऊपर भी लगाया था, नीचे भी लगाया था, फिर भी ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से कुछ स्टिक है मेरा ख़राब हो गया। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, लेकिन कोई स्टिक और भी और नहीं है जो ख़राब है, लेकिन ऑलमोस्ट सब में जो देख सकते हैं ब्रांच है वो हो गया है, सारे जो स्टिक थे वो भी एक नया पौधा बन चुका है। तो आप उसको चाहे तो मिट्टी पे भी लगा सकते हैं, आप उसको चाहे तो कोकोपीट के लगा सकते हैं और आप चाहो तो सॉयललेस पे भी रख सकते हो, स्टोन के अंदर रख सकते हो, जिस तरह से चाहो। लेकिन स्टोन के अंदर जो होता है वो बहुत स्लो ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स उतना हेल्दी भी नहीं रहता। तो आप फ्रेंड्स, स्लो ग्रोथ जो चाहते हैं वो स्टोन के ऊपर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो मैं सोचा कि अभी एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ जो हार्ट शेप का है, छोटे साइज़ का, ये देख सकते हैं मैंने उनके लिए एक डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स, इसी का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर देते थे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि फ्रेंड्स, जब भी आप डिज़ाइन बनाए तो ऐसा अच्छा रहेगा कि पहले आप स्टिक को काट के कोकोपीट के अंदर रख दें, उसके बाद ही जब इस तरह से नया शूट निकले या ब्रांच निकले उसके बाद ही आप उसको डिज़ाइन करें और उसी टाइम ख्याल रखें कि वो टूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे को मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ नीचे क्या है, सबके अंदर पूरा कोकोपीट भरा हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं नीचे कोकोपीट है, आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं कोकोपीट है पूरा और उसके अंदर पानी है, और देख सकते हैं नीचे जो है वो फंगीसाइड लगा हुआ है, देख सकते हैं, जो मैंने यूज़ करता हूँ साफ। तो आप भी उसको यूज़ करिए, क्योंकि साफ आपको इजीली मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आपके लोकल गार्डनिंग शॉप पे भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ स्टिकों का तो बहुत अच्छा सा ग्रोथ चल रहा था, तो आप देख सकते हैं रूट्स भी आ चुका है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा हाइट भी हो चुका है इसका। तो देख सकते हैं दोनों साइड से कोकोपीट से लगाने से क्या होता है कि दोनों साइड से निकल आते हैं और उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहता है, देख सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो और देख सकते हैं रूट्स भी बहुत अच्छा सा हेल्दी है। तो और स्टोन में लगाने से क्या होता है कि फ्रेंड्स उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, आप देख सकते हैं हर किसी के अंदर ऑलमोस्ट दोनों साइड से, जो देख सकते हैं दो गार्ड है हमारा, दोनों गार्डों से हमको स्टिक निकल आ रही है जो ब्रांच है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है आप ज़रूर घर पे ट्राई करिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों का कोई और सवाल नहीं होगा। और एक सवाल का आंसर दे देता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हैं कोकोपीट, उसके अंदर मैं जब इसको रखता हूँ उसको बाद में खिलाइए मत। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि स्टिक गलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इस तरह का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसको रखते हैं पानी चेंज नहीं हो सकता, उसको आप जब भी देखें कि थोड़ा सा सूख गया है आप उसको पानी डाल दें, पानी ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
आप पानी ज़्यादा दे सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कम पानी देंगे तो मरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा इसमें लाकी बेम्बू के अंदर। तो फ्रेंड्स उसी चीज़ को ख्याल रखें, पानी हर रोज़ नहीं दिए, जब ज़रूरत हो तो दे सकते हैं। कुछ ज़्यादा भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कम होंगे तो प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे भी सूख सकता है, ऊपर भी सूख सकता है या गल सकते हैं। तो आप उसी चीज़ों का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। और एक चीज़ फ्रेंड्स कि आप उसको जब भी डिज़ाइन बनाए देखें कि रूट्स आए तो अच्छा है, अगर थोड़ा सा आ गया तो आप ये जो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ज़्यादा रूट्स नहीं है, देख सकते हैं आप ज़्यादा रूट्स नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ डिज़ाइन बनाने के बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस डिज़ाइन को जब इस तरह का स्टिक जो रूट्स ज़्यादा बड़ा होंगे तो उसको डिज़ाइन बनाने में उसको टूट भी सकते हैं रूट्स, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे आप ख्याल रखें कि रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, मिनिमम हो, तभी आप उसको डिज़ाइन में यूज़ करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आप अगर डिज़ाइन बना चुके हैं, जैसे कि ये जो स्टिक देख सकते हैं हमारा, ये जो स्टिक देख सकते हैं पूरा स्टिक है फ्रेंड्स, हम उससे डिज़ाइन बनाने वाले हैं अभी, तो उसको डिज़ाइन बनाने के बाद भी आप कॉपी पेज के अंदर रख सकते हैं,